बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुमिना के दस्तरखान में आप सबको खुश आमदीद। बहनों और भाइयों, आज मैं बना रही हूँ आलू अंडा करी, इसको अंडा कारी भी कहते हैं। इसके लिए ये 5 अंडे मेरे पास, आधा किलो ये आलू थे जिनको मैंने बॉयल कर लिए, मैं हाफ हाफ करके बॉयल करती हूँ ताकि ना जल्दी वो गल जाते। ये 3 टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया, और सिर्फ ये 2 जवे लहसुन के जिनको मैंने कूट लिए। इसके अलावा आधी चम्मच मैं नमक यूज़ करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। आधी चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच जो है चिली फ्लेक्स है, आधी चम्मच सुरख मिर्च है, और आधी चम्मच गरम मसाला है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, इस तरह मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मैंने डाल दी है कढ़ाई में ये 1/2 कप ऑयल है, ये इसमें मैं डाल देती हूँ। टमाटर का पेस्ट डालती हूँ, इसके साथ ही मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी। भून लूंगी मैं इनको। मैं इस मसाले में अंडा करी है, मैं इसमें बिल्कुल प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं डालती, मैं सिर्फ इसमें टमाटर की ग्रेवी डालती हूँ। मुझे इसकी ग्रेवी से बना हुआ ये सालन बहुत पसंद है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगा। जैसे आपने पहले मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, इंशाल्लाह आपको ये भी पसंद आएगा। लहसुन और टमाटर को भूनते हुए मुझे तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अगर आप चाहें तो लहसुन पहले भून लें, लेकिन मुझे फिर इसका टेस्ट नहीं आता सालन के लिए, तो मुझे इसका हल्का सा टेस्ट जो आता है सालन में वो मुझे पसंद है, इसलिए मैं इसके साथ ही इसको डाल देती हूँ टमाटर के ग्रेवी के साथ ही। अब मैं ये मसाले ऐड कर देती हूँ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, और मुझे फीडबैक जरूर दे दिया करें। आप मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। मसाला हमारा तैयार हो गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ आलू, ये फ्री करने में इसका 6 टुकड़े में काट लिया। आप जैसे नासिक समझते हैं वैसे इसके क्यूब काट लें, बड़े छोटे, मैं इसके क्यूब ज़रा छोटे ही रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इसमें शुरू किसका कलर है, साथ ही मैं डाल देती हूँ इसमें अंडे, इनको भी मैंने छील लिया। थोड़ी देर मैं भून लूंगी। अच्छा मसाला आलू और अंडे हमारे अच्छी तरह भून गए, मैं इसमें डाल देती हूँ ये तकरीबन 1/2 कप पानी। ढक्कन लगा देती हूँ। चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल चूल्हा बंद कर देती हूँ। हमारा आलू अंडा करी रेडी हो गया है, डिश आउट कर देती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंडा आलू करी रेडी है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशबूदार और बहुत मज़ेदार खट्टा खट्टा सा। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, आपने बहुत दफ़ा बनाए होंगे खाए होंगे, लेकिन आप इस मेरी रेसिपी को भी ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। तो बहन और भाइयों, इस रेसिपी के साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मैं फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।